यश कंफ्यूज हैं कि क्या उनके स्वास्थ्य बीमा का 5 लाख रुपए का मौजूदा कवर काफी है। हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा बढ़ रहा है, क्या आने वाले समय के लिए 5 लाख रुपए का कवर पर्याप्त रहेगा। एक से ज्यादा बार अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आएगी तो 5 लाख के कवर से कितनी मदद मिलेगी। अगर आपके मन में भी अपने हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर ये सवाल है तो यही वक्त है जब आपको अपने बीमा को रिव्यू करना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस के रिव्यू में सबसे मुख्य बिंदु है मेडिकल खर्चों में बढ़ोतरी यानी मेडिकल इन्फ्लेशन। मोतीलाल ओसवाल की रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि साल 2021 में मेडिकल खर्च 14% बढ़ा है। द ऑल इंडिया डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि भारतीय घरों के कर्ज में 12% हिस्सेदारी इलाज के खर्चों के लोन की है। बीमा ना होने की वजह से लोग स्वास्थ्य खर्च का 62.7% हिस्सा अपनी जेब से दे रहे हैं, जबकि विश्व का औसत आंकड़ा 18.1% है। इसलिए महंगाई से लड़ने और खर्चों से बचने के लिए स्वास्थ्य बीमा का पर्याप्त कवर जरूरी है। अगर पहले से हेल्थ बीमा है तो उसका कवरेज बढ़ाने के 3 विकल्प हैं। पहला ये कि पॉलिसी के रिन्यूअल के वक्त इसके कवर को बढ़ा लिया जाए। अतिरिक्त प्रीमियम के साथ आप कंपनी से मौजूदा सम इंश्योर्ड को बढ़वा सकते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप अपने बेस पॉलिसी में टॉप अप प्लान जोड़कर बीमा का एक्स्ट्रा लेयर खरीद लें। तीसरा तरीका है कि मौजूदा पॉलिसी में सुपर टॉप प्लान जोड़ने का। टॉप अप एक तरह का एक्सटेंशन है जिसे आप अपने मौजूदा या नए बेस हेल्थ इंश्योरेंस कवर पर खरीदते हैं। जब आपके बेस प्लान की राशि खत्म हो जाती है तब टॉप अप का कवरेज शुरू होता है। आपने जिस कंपनी से बेस प्लान लिया है उससे या किसी अन्य कंपनी से आप टॉप अप कवर ले सकते हैं। टॉप अप पॉलिसीज कम कीमत में अधिक कवरेज प्रदान करती हैं। अधिकांश इंश्योरेंस कंपनियां टॉप अप और सुपर टॉप अप पॉलिसीज की पेशकश करती हैं। इलाज का खर्चा जब बढ़ जाता है तो ये पॉलिसी उस अतिरिक्त खर्च को कवर करती है। अगर आपके पास 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस है, इस कवर में आप टॉप अप और सुपर टॉप अप प्लान के जरिए 10 लाख यानी जितनी रकम का चाहे उतना एडिशनल कवर ले सकते हैं। इस तरह एक साल में आप अपने बेस कवर से 5 लाख रुपए का खर्च कर लेंगे तो टॉप अप प्लान की कवरेज का फायदा मिल जाएगा। ये बेस कवर की राशि डिडक्टेबल कहलाती है और ये खर्चा आप अपने बीमा के बेस कवर से देंगे। इसके बाद का खर्चा टॉप अप देगा। बजाज कैपिटल इंश्योरेंस के सीईओ वेंकटेश नायडू कहते हैं कि वो लोग जिनके पास केवल अपनी कंपनी से मिलने वाला ग्रुप कवर होता है वो टॉप अप प्लान के जरिए ज्यादा कवरेज हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो अपने कवर को बढ़ाना चाहते हैं वो भी टॉप अप और सुपर टॉप अप की मदद से किफायती तरीके से कवरेज बढ़ा सकते हैं। बीमा बाजार में 2000 रुपए से लेकर 7000 तक में आपको 5 से 20 लाख का टॉप अप प्लान मिल जाएगा। टॉप अप और सुपर टॉप अप में एक खास अंतर को समझ लें। आपके बेस पॉलिसी से इलाज के उपचार के बाद टॉप अप कवर का पैसा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन टॉप अप क्लेम साल में एक बार मिलता है और वो भी जब एक ही बार बेस कवर को इस्तेमाल किया जाए। सुपर टॉप अप प्लान के जरिए मल्टीपल क्लेम लिए जा सकते हैं। इसे उदाहरण से समझिए। अगर यश के पास है 5 लाख रुपए का बेस कवर जिस पर वो 10 लाख का टॉप अप प्लान लेते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आने पर पहले बेस कवर यूज होगा। अगर 4 लाख का बिल आया तो बेस कवर में भुगतान हो जाएगा। उसी साल एक और सर्जरी की जरूरत पड़ी जिस पर खर्च 3 लाख का हो गया। अब ऐसा नहीं हो सकता कि 3 लाख में से 1 लाख बेस ले लें और बाकी 2 टॉप अप प्लान से। टॉप अप तभी मिलेगा जब वो एक ही बिल से साबित करें कि 5 लाख रुपए का बेस कवर इस्तेमाल किया है, जबकि सुपर टॉप अप आसानी से मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा दे देता है। इसमें एक ही बिल होना जरूरी नहीं है। यश आराम से 5 लाख के बेस कवर में बचे 1 लाख का इस्तेमाल करेंगे, फिर सर्जरी के खर्चे के बाकी बचे 2 लाख का भुगतान सुपर टॉप अप से होगा और सुपर टॉप अप में बचे 8 लाख का इस्तेमाल फिर इसी साल में जरूरत पड़ने पर किया जा सकता है। यहाँ आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि क्या सुपर टॉप अप पॉलिसी लेने के लिए पहले से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होना जरूरी है? तो जवाब है नहीं। अगर आपके पास हेल्थ पॉलिसी नहीं है तो भी आप सुपर टॉप अप पॉलिसी खरीद सकते हैं।
हालांकि ऐसी स्थिति में आपको बेस कवर की लिमिट तक का खर्च अपनी जेब से देना होगा। उसके बाद ही सुपर टॉपअप का कवर शुरू होगा। सुपर टॉपअप पॉलिसी में आप स्वयं को, अपने पति या पत्नी को और बच्चों को कवर कर सकते हैं। आप फैमिली फ्लोटर आधार पर भी ये पॉलिसी ले सकते हैं।